नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। वरुण गांधी की अगर बात करें तो वरुण गांधी अपने सोशल चीजों के लिए बहुत जाने जाते हैं। एक बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में और एक सुल्तानपुर से वो सांसद हैं, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं वेतन को कहते हैं। उनका हमेशा कहना रहा है कि जो आर्थिक रूप से सांसद हैं, वो संपन्न हैं, वो अपने वेतन को कहीं ना कहीं गरीबों के लिए दान करें और ऐसे चीज़ों में खर्च करें जो कहीं ना कहीं देश के लिए सहयोग हो सके। उन्होंने कुछ दिन पहले एक संसद में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के सामने इस प्रस्ताव रखा था कि जो आर्थिक रूप से सांसद हैं, वो अपना कहीं ना कहीं जो वेतन है वो गरीबों के लिए और जिनको लोगों को ज़रूरत हो और देश के लिए कहीं ना कहीं अर्पण करें। हालांकि बहुत कम राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जो नेता जो कहते हैं और करके दिखाएं, हालांकि बहुत ही कम, यानी कि 100% में 1 या 2% लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कही हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं अमल करते हैं, और वो वरुण गांधी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अमल किया है। वरुण गांधी ने कहा था कि मैं अपना वेतन नहीं लूँगा, उन्होंने जो वेतन आता है वो गरीबों के लिए बाँटते हैं, गरीबों की सहायता के लिए बाँटते हैं। तो वरुण जैसे, क्योंकि वरुण गांधी ने उन तमाम सांसदों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से सहायता आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन तब भी वो अपना वेतन अपने घर के लिए फिर अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे सांसदों को कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि अगर वरुण गांधी जैसा शख्स, एक नेता बीजेपी का, इस तरीके की चीज़ कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। और वरुण गांधी ने जो मिसाल कायम की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक, बीजेपी सांसदों के लिए एक सबक है कि उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो ऐसे में वरुण गांधी के लिए एक, वरुण गांधी से शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है उन सांसदों को जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पूर्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वरुण गांधी ने किन लोगों की सहायता की और किस तरीके से अपना वेतन छोड़ा है। भारतीय राजनीति में ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है जिनमें नेता जो कहे उन पर खुद भी अमल करे, लेकिन एक नेता ने अपने कहे पर अमल करके राजनीति में नई मिसाल कायम की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अमीर सांसदों द्वारा अपने वेतन छोड़ने की मांग करते रहे। ऐसा नहीं है कि वे केवल दूसरे सांसदों को वेतन नहीं लेने की सलाह देते, बल्कि वो खुद भी वेतन नहीं लेते। वरुण गांधी ने पिछले 9 साल से सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन को गरीब और ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं। वेतन का एक पैसा भी वे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। वे अक्सर संसद सत्रों में जनहित के मुद्दों पर बहस नहीं होने और सांसदों के वेतन व भत्ते में होने वाले इजाफे पर चिंता जाहिर करते रहते हैं। उन्होंने इस साल के शुरू में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से अपील की थी कि आर्थिक रूप से संपन्न सांसदों द्वारा 16वीं लोकसभा के बचे कार्यकाल में वेतन छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू करें। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में वरुण गांधी ने कहा था कि भारत में असमानता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में 1% अमीर लोग देश की कुल संपदा के 60% मालिक है। भारत में 84 अरब पतियों के पास देश की 70% संपदा है। ये खाई हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने पत्र में लिखा था, स्पीकर महोदया से मेरा निवेदन है कि आर्थिक रूप से संपन्न सांसदों द्वारा 16वीं लोकसभा के बचे कार्यक्रम में अपना वेतन छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू करें। संवेदनशीलता को लेकर देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। वरुण गांधी ने इस बात पर खुद ही शुरू से अमल कर रहे हैं। वे पिछले 9 वर्षों से सांसद के तौर पर वेतन के रूप में मिलने वाले पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वेतन की पूरी रकम को गरीबों पर खर्च कर देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसे ही जरूरतमंद रामजी गुप्ता को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। रामजी गुप्ता को कैंसर से जूझ रहे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए वरुण गांधी से आर्थिक मदद की अपील की। वरुण गांधी ने रामजी गुप्ता की जरूरत को देखते हुए उन्हें तत्काल 2.5 लाख रुपए की मदद मुहैया कराई। इससे पहले वरुण गांधी ने सुल्तानपुर के एक किसान को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद 13 जिलों के जरूरतमंद किसानों को मदद पहुंचा चुके हैं। सुल्तानपुर में वे 2 दर्जन गरीब लोगों को घर भी अपने पैसों से बनवा चुके हैं। इस मदद के लिए पीछे वरुण गांधी तर्क देते हैं कि वे राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के माध्यम से ज्यादा लोगों की मदद की जा सकती है।
तो आपने देखा कि वरुण गांधी ने किसी एक ऐसे शख्स के लिए जिसको कैंसर हो गया था उसके लिए अपने वेतन पूरा छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं ऐसे सांसदों को एसपीएन नाइन न्यूज सलाम करता है कि अगर राजनीति में आकर के अगर इतना योगदान देने की जहन उठाते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत आगे जाना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।